लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। मतदाता सुबह से ही वोटिंग लाइनों में लगे हुए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज सिंह गरबयाल ने मतदान स्थलों का निरीक्षण किया और मतदाताओं से भी शांतिपूर्वक तरीके से अपने मतदान करने की अपील की। वहीं मंगलौर क्षेत्र में पहुंचे हरिद्वार SSP परमेंद्र सिंह ढोबाल ने कहा कि जिले भर में शांतिपूर्वक तरीके से मतदाता अपने मतदान कर रहे हैं। उत्तराखंड सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। मतदान अभी पूरे जनपद में शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी हम लोग हरिद्वार से लेकर अब लोग आए लक्सर होते हुए, ये लंडोरा होते हुए हम लोग पहुँचे हैं और बड़े शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी जो 11 बजे की अभी रिपोर्ट थी वो लगभग 30% के करीब मतदान हुआ है। अब 1 बजे की रिपोर्ट अब थोड़ी देर में अपडेट होगी तो मुझे लगता परसेंटेज और बढ़ेगा, तो पिछले चुनाव में जितना परसेंटेज रहा उससे ज़्यादा बढ़ेगा। वो हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी की बात थी जिसमें कोई बुजुर्ग थे तो उनके द्वारा ये काम किया गया था, लेकिन वो मशीन सुरक्षित है, उसी मशीन के द्वारा ये मतदान भी हो रहा है। तो उनको भी हम लोगों ने पुलिस कस्टडी में उनको दिया है और अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे मशीन की वजह से मतदान रुका हो। जैसे MCC हमारा 48 आवर की जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप जितने हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं, 20 बॉर्डर पॉइंट्स पे बैरियर डाउन करके चेकिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से लगा हुआ है और काफ़ी मतदाता हमारे इधर से उधर भी जाते हैं, लोग आते हैं, तो चेकिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं। दूसरा, संवेदनशीलता जिन भी जगह पर परिलक्षित हुई है उसके लिए हमारे SO इंस्पेक्टर वगैरह लगातार गश्त पर हैं, लगातार वो चेक भी कर रहे हैं। सभी पोलिंग सेंटर्स पे हमारा फोर्स पर्याप्त दिया गया है, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से बस शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कहीं पर से किसी तरीके से कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो हमारे पास पर्याप्त रिजर्व में भी बल है, उसको भी डिप्यूट किया जाएगा। हमारे सभी बॉर्डर पॉइंट्स पे बैरियर डाउन करके चेकिंग अभी लगातार चल रही है, उसमें साथ में हमारे जो CPF के जो फोर्स है उसको भी हम लोगों ने उसमें इंक्लूड किया है। उनके साथ मिलकर लगातार चेकिंग चल रही है और कोई भी वहाँ से इलीगल, उस पर हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं।